तो ये है मेरे पास माइक्रोवेयर की तरफ से आने वाली एक अफोर्डेबल फैशन स्मार्ट वॉच, जो कि आती है 1.92 इंचेस की बेजललेस डिस्प्ले के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो वॉच हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, और यहाँ सामने की तरफ इसके मॉडल नेम, और साथ ही साथ बताया गया है कि इस पर हमें 500 प्लस वॉच फेसेस मिलने वाले हैं। बॉक्स में इस पर मिलने वाले कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा बॉक्स में कहीं पर भी इसकी MRP को जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। वैसे आप इस स्मार्ट वॉच को अर्बन स्टोर इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 1599 की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और ये तो आप इस स्मार्ट वॉच को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कि यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस वॉच को कनेक्ट और ऑपरेट करने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आती है हमारी ये स्मार्ट वॉच, और प्राइसिंग के हिसाब से यार फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं बाकी कंटेंट्स की तरफ। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलता है इस वॉच को चार्ज करने के लिए एक वायरलेस चार्जर। तो फ्रेंड्स, हमें यही सभी कुछ कंटेंट जो है इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने स्मार्ट वॉच की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और फिजिकल ओवरव्यू की। तो वॉच हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह के, बिल्कुल एप्पल वॉच टाइप के डिज़ाइन में, और मेरे पास है इसका ये ब्लैक कलर का वेरिएंट। वैसे ये स्मार्ट वॉच सिर्फ इसी एक ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है। सामने हमें देखने को मिलती है 1.92 इंचेस की कर्व्ड ग्लास वाली बेजललेस डिस्प्ले। ये वॉच आती है मेटल फ्रेम के साथ में, और मैट फिनिश हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरफ है ये मल्टीफंक्शन क्राउन बटन, उसके नीचे हमें देखने को मिलता है माइक्रोफोन, और साथ ही में एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच भी यहाँ पर दिया गया है। हमारी ये स्मार्ट वॉच भी ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर ये इस तरफ स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। वॉच आती है पीछे से ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ में, यहाँ पर है इसका हार्ट रेट सेंसर, और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। उसके अलावा ये वॉच आती है कुछ इस तरह के सिलिकॉन स्ट्रैप्स के साथ में। स्ट्रैप्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, पर आप इन स्ट्रैप्स को इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से 150 से 200 रुपये में चेंज कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से लुक से यार इस वॉच की काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम जल्दी से बात करते हैं इस पर मिलने वाले यूज़र इंटरफेस की। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने पर हमें इसका स्टेटस बार जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इसकी कनेक्टिविटी स्टेटस, बैटरी स्टेटस, और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ सेटिंग्स में जाने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उसी तरह से ही लेफ़्ट टू राइट को स्वाइप करने पर हमें स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेफ़्ट टू राइट को स्वाइप करने पर हमें ये कॉमनली यूज्ड ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ से आप अपने फ़ोन पर प्ले हो रहे म्यूज़िक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करने पर हमें फ़ोन पर रिसीव्ड नोटिफिकेशंस यहाँ पर शो हो जाएंगी, और इस मल्टीफंक्शन क्राउन बटन को सिंगल प्रेस करके आप इसके मेन्यू ऑप्शन में जा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर ये हनीकॉम मेन्यू स्टाइल ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये वॉच भी यहाँ पर बिल्कुल लैग फ्री काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल है, जिनमें स्विच होने के लिए आपको क्राउन बटन को डबल प्रेस करना है, और टोटल हमें यहाँ पर 6 मेन्यू स्टाइल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस वॉच पर 500 प्लस वॉच फेसेस अवेलेबल है, और वॉच फेसेस में स्विच होने के लिए हम इस क्राउन बटन को रोटेट करके वॉच फेसेस में स्विच हो सकते हैं। यहाँ पर प्रीलोडेड 6 वॉच फेसेस अवेलेबल है, और इसकी ऐप के थ्रू आप और भी कई सारे वॉच फेसेस को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वॉच पर मिलने वाले डिस्प्ले और इसकी बैटरी की। तो हमारी ये स्मार्ट वॉच आती है 1.92 इंचेस की बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले के साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पर कर्व्ड ग्लास भी दिया गया है। और जिस 1500 रुपये की प्राइस में ये वॉच हमें मिलती है, उसके हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी यार इसकी सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में फुल ब्राइटनेस पर इसका डिस्प्ले कुछ इतना ठीक ठाक ब्राइट है। हालांकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इस पर हमें नहीं मिलता, लेकिन रेज टू वेक फीचर अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल बढ़िया से काम करता है। उसके अलावा ये वॉच आती है 210 mAh की बैटरी के साथ में, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी एक बार इसकी फुल चार्ज होने पर हमें आराम से इस पर 2 दिन का बैकअप मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है।
तो चलिए अब मैं जल्दी से इस वॉच को अपने फोन के साथ में आपको एक बार जल्दी से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसे अपने फोन के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमें एम एक्टिव प्रो नाम की एप्लीकेशन को अपने फोन पर इंस्टॉल करना है। आप इसे अपने iOS या फिर एंड्रॉयड फोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके इस डिवाइस वाले ऑप्शन में हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये फर्मवेयर अपग्रेड वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ से आप इस वॉच पर लेटेस्ट OTA अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा इस इन्फो नोटिस वाले ऑप्शन में हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन हमारी वॉच पर शो हो, और ये है इसकी वॉच फेस गैलरी, जहाँ से आप 500 प्लस वॉच फेसेस को इंस्टॉल कर सकते हो। देख सकते हो इस लिस्ट में काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया वॉच फेसेस अवेलेबल है। उसके अलावा अपने फ़ोन की गैलरी में अवेलेबल किसी भी पिक्चर को एज अ वॉच फेस भी अपने वॉच पर सेट कर सकते हो। उसके अलावा रेज टू वेक वाले फीचर को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ओवरऑल इसकी ऐप का इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है और SW7 Max की ऐप की तरह इसकी ऐप में हमें कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले कुछ बढ़िया फीचर्स की। तो इनकमिंग कॉल और SMS नोटिफिकेशन आपको वॉच पर मिल जाएगी। उसके अलावा हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग फीचर और स्टेप ट्रैकिंग जैसे फीचर यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यार इसका हार्ट रेट सेंसर जो है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। हालांकि इसका स्टेप्स ट्रैकिंग वाला फीचर जो है वो बढ़िया से काम कर जाता है, लेकिन यार हार्ट रेट सेंसर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। और साथ ही साथ ये वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है और आप इसे अपने फ़ोन के साथ में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके कॉलिंग भी कर सकते हो, और स्पीकर के थ्रू हमें कुछ इतना वॉल्यूम सुनने को मिलता है। स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लो है, लेकिन माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्यों इस 1500 रुपये की प्राइस रेंज में हमें इस स्मार्ट वॉच की तरफ जाना चाहिए। तो यार एक तो प्राइस के हिसाब से इसकी लुक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है और दिखने में ये बिल्कुल एप्पल वॉच है, और यही तो आप फैशन पर्पज़ के लिए एक बेस्ट लुकिंग स्मार्ट वॉच को ढूंढ रहे हो, तो आप डेफिनेटली माइक्रोवेयर की इस W97 प्रो स्मार्ट वॉच की तरफ जा सकते हो। और इस वॉच को खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।